नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे आलू और अंडे से बने बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू को ग्रेट करके। आलू को ग्रेट करने के बाद मैंने अच्छे से 3 से 4 बार साफ पानी से धोया और उसके बाद मैंने अच्छे से निचोड़ते हुए ले लिया। आलू आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे एक अंडे, हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, डालेंगे हम 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 2 चम्मच मैदा। अच्छे से हम सभी चीजों को मिक्स करेंगे। तो टाइट हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के नाश्ते की रेसिपी बनाने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत ज़्यादा मैदे का यूज़ नहीं करेंगे, बस हल्का बाइंड हो जाए उतना ही हम यहाँ पे मैदा डालेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम पैन में ले लेंगे तेल। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच तेल ले लिया है। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, जब मीडियम गर्म हो जाए हम आलू 1 चम्मच की मदद से उठाएँगे और इस तरीके से हम पैन में डालेंगे। डालते टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे और एक बारी में जितना हमारा आराम से नाश्ता फ्राई हो सके उतना ही हम डाल के फ्राई करेंगे। थोड़ा सा स्पैचुला से इस तरीके से हम फैला लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से जितना आराम से फ्राई हो सके उतना मैं पहले पैन में डाल लूंगी, फिर हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम में पहले हम एक तरफ 2 मिनट के लिए फ्राई हो जाने देंगे, फिर हम साइड चेंज करेंगे। डेढ़ दो मिनट बाद एक एक करके सभी नाश्ते को हम पलट के दूसरी ओर भी फ्राई करेंगे और देखिए दूसरी ओर बहुत ही अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। और दूसरी ओर भी हम फ्राई कर लेंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए, जब तक अच्छा सा कलर ना आ जाए। बीच में मैंने नाश्ते को एक बार और पलट के फ्राई कर लिया था और आप देख सकते हो दोनों ओर से नाश्ते का जो कलर है ना बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है। देखिए हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी नाश्ता भी हम फ्राई कर लेंगे। और जब तक आप एक बार इस तरीके से बना के नहीं खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा ये नाश्ता कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के नाश्ते की रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो आज के नाश्ते की रेसिपी आप एक बार बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि कैसा लगा। अच्छा लगे रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।